ग्राम पंचायत सुमेदा में सरपंच पति के द्वारा भूमि वितरण किया गया है। सरपंच संध्या सिंह के पति पवन सिंह गरीबों से पैसा लेकर पट्टा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वयं 50 एकड़ भूमि सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है और जो बची संपत्ति है उसे अपना वोट बैंक बनाने के लिए बांटा जा रहा है। सरपंच पति का स्वयं के क्रेशर के आसपास की सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। इतना ही नहीं, सरपंच के परिवार के द्वारा गाँव के तालाब में अतिक्रमण किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि समुदाय के सरपंच पति अपने आप को स्वयं मध्य प्रदेश शासन समझते हैं, तहसीलदार भी वही हैं, एसडीएम भी वही हैं और पट्टा भी वही बांटते हैं। मध्य प्रदेश शासन से स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसे सरपंच पतियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा गांव की एक इंच जमीन इन माफियाओं द्वारा नहीं बचाई जा सकती। सरपंच पति के परिवार की सारी जमीन की जाँच हो और उसे मुक्त कराने प्रशासन अभियान चलाया जाए। मंदिर आपके गांव में सुमेदा में जी सरपंच पति द्वारा अतिक्रमण करा गया सरकारी भूमि में, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में ये कहेंगे साहब कि जो है तो पैसा लेके इनके सरपंच के पति ने पैसा लेके इनको सबको प्लाट आवंटन कर रहे हैं जी। कह रहे हैं कि जो है तो यहाँ हर जगह जो है तो जहाँ सरकारी है तहाँ बनेगा जी। ये कह रहे हैं कि जो है तो तुमको जो है तो सबको नहीं देते हैं, एक ही आदमी परिवार के सबके लोग को दे देते हैं जी। जो उनको वोट देते हैं उनको उन्हीं को देते हैं, हम लोगों को तो नहीं देते। हम लोगों को तो कहते हैं कि जो है तो यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ हो तहाँ रहे जाओ। मगर बताया गया कि दूसरे गांव के लोग यहाँ आके बस गए हैं। हाँ, दूसरे गांव के लोग हैं साहब। हमारा नाम अनिल कुमार दाहिया है। आपके गृह ग्राम में सुमेदा में जी सरपंच पति द्वारा जमीन आवंटित की गई, उसके बारे में क्या बोलेंगे? सरपंच पति यहीं दिग्विजय सिंह बने थे। आज के डेट में आज 18-20 साल पहले दिग्विजय सिंह भूमि आवंटन करी थे, वह अभी कही रहे हैं। जो बाहर का आदमी आके बसा हुआ है सुमेदा में टम्परेली या 10 साल 8 साल की, उसके पास 4 एकड़ जोतने के लिए ज़मीन है, आप बसने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हीं को व्यवस्था कर रहे हैं, अपनी वोट बैंक बना रहे हैं, परमानेंट वोट बनी रहे। और जो पुराना आदमी यहाँ बसा हुआ है वो उनका जो विकास हुआ है उसका आनंद ले चुका है, अब वो नई वोट बना रहे हैं। बाकी शासकीय ज़मीन हमारे यहाँ 100 एकड़ से ऊपर पड़ी हुई है, और अगर कोई बिल्डिंग आती है शासकीय काम के लिए तो बोल देते हैं कि बस स्कूल के पास खाली है। जहाँ से जो बसिंदा 100-200 साल से अंग्रेज के ज़माने से बसे हुए हैं उन्हीं को खाली कराने के लिए कहीं कलेक्ट्रेट कहीं हाई कोर्ट जाते हैं। बाकी शासकीय ज़मीन टोटल आवंटन कर रहे हैं खड़े होकर। बाकी यह है शासन प्रशासन तहसीलदार पटवारी ज़मीन सुरक्षित करें। बाकी 20 बे बोल चुकन मीडिया में को कहो नहीं आवे ना को सुना।